वेल एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में नेक्स्ट टॉपिक जिस पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेसिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज इन वर्टिब्रेट्स तो व्हेन वी से द वर्टिब्रेट्स दैट मींस फिशेस एम्फीबियंस बर्ड्स और मैमल्स के अंदर रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ये कैसे रिप्रोडक्शन होती है तो so, सबसे पहले तो बात करते हैं हम फिशेस की तो दे हैव वेरियस रिप्रोडक्टिव मेथड्स दैन स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोलॉजी टू अडेप्टम सेल्व टू अ ग्रेट वाइटी ऑफ एक्वेटिकबिटैट्स तो फिश के हेबिटैट्स तो बेशुमार हैं कुछ फ्रेश वाटर हैं कुछ मेरीन हैं कुछ एस्टरीज में हैं कोई बहुत ही कोल्ड वाटर में रहती हैं कोई बहुत ही वार्म वाटर में भी रहती हैं तो इन तमाम एनवामेंट के अंदर फिश की जो रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटीज हैं वो वेरी करती हैं ना इसमें सबसे पहली बात तो है फिश की फिकंडिटी फिकंडिटी मीन्स एग लेंग कैपेसिटी और दरा सडन मेरीन फिश इज लाइक कॉड जो कि एक ही स्पॉन में दे ले अबाउट फाइव मिलियन एग्स फाइव मिलियन एग्स दे कम आउट ऑफ द बॉडी और इसमें फिर uh, कोई हार्डली थ्री और फोर परसेंट रह जाती हैं जो एग्स जो डेवलप करते हैं और वो फिर फुल फिश में आ, ग्रो कर ले आते हैं तो हाई फिकंडिटी विच इज़ द रिलीजिंग ऑफ एग्स इन थाउजेंड्स और मिलियंस एज दिस इज इज वेल नोन स्ट्रेटजी सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटीज विच इज़ द हाई फिकंडिटी नाउ कॉड फिश फॉर एग्जाम्पल रिलीज अबाउट एट मिलियन एग्स इन सिंगल स्पॉन उसके बाद तो उसके बाद फिर आते हैं हम एम्फीबियंस में एम्फीबियंस में एम्फीबियंस जिसके अंदर फ्रॉग हैं फिर है, फिर टोड्स हैं तो सीसीलियन है तो इन एनिमल्स के अंदर इनके अंदर भी स्ट्रेटजीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ आर मच मोर डाइवर्स दोन अदर ग्रुप क्योंकि फिश के अंदर तो इट इज ऑलमोस्ट एक्वेटिक लेकिन एम्फीबियंस देव इनवेडेड द लैंड और जाहिर है जब लैंड के ऊपर रहना या लैंड के ऊपर जो डवेलिंग है आ, एनिमल्स की उसके अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इसलिए फिश एम्फीबियंस के अंदर भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज भी ज़्यादा हैं सो आर दैट इज द फ्रॉग्स एंड टोर्स फॉर एग्जांपल हैव वैरायटी एग्जाम्पल है वेराइटीटिव अडेपर्ड्स टेरिस्ट्रैली ज़मीन के ऊपर या लैंड के ऊपर रहने के लिए इनकी स्ट्रेटी ज़्यादा हैं अच्छा इसमें इन टर्म्स ऑफ यू कैन से द डेवलपमेंट ऑफ द एग तो दे एक तो होते हैं ओवी पैरसिटी ओवी पैरिस एनिमल जो होते हैं जो कि दे दे ले एग्स एग्स एंड द लेर फर्टिलाइज बॉडी फिर उसके बाद है ओवो वीवी पैरिटी ओवो वीवी पैरिटी जिसके अंदर एग्स दे आर फर्टिलाइज विद इन द बॉडी ऑफ द फीमेल और वहीं पे डेवलपमेंट होती है और वो फिर यंग वंस दे कम आउट द बॉडी थ्रू द वेंट और उसके बाद फिर वीवी पैरिटी है वीवी पैरिटी वो एनिमल्स होते हैं जिनकी फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल और फिर डेवलपमेंट भी इंटरनल और कुछ देर के लिए दे रिमेन विद इन द बॉडी विद इन द बॉडी लेकिन उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता मदर के साथ थ्रू प्लेसेंटा लाइक दिस तो ये उनकी जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं वो वहीं पे उन्हें अंदर ही बॉडी के अंदर ही उन्हें मिलते हैं तो ऐसे एनिमल्स जो हैं दे आर कॉल्ड एज तो ओवी पैरिटी एंड पैरिटी सक्सेसफुल इनवेजन ऑफ माउंटेनियस एनवायरमेंट बाई एम्फीबियंस क्योंकि बहुत सारे एम्फीबियंस हैं जो कि खुश्क भी, भी रहते हैं और अगर सुटेबल इन्वायरमेंट है तो यहाँ तक के माउंटेन्स पे भी रहते हैं जो कि लेकिन यहाँ पे

Uh, they exhibit reproductive adaptations of advanced mammals, introducing human. Any yani isme adaptations hai, wo vesi hi hai jo ke advanced animals ke andre, mammals ki under bhi hai. Wo hi hai. usi ki continuity hai. Now the reptilian system includes shelled, uh, disso uh, that is uh, shelled eggs, then uh, the desiccation resistant eggs. यानी इनकी बॉडी के ऊपर इनकी एग के ऊपर ये बड़ा रेजिस्टेंट एग शेल है विच इज़ यूजुअली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और uh, जिसकी वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है वो उसके अंदर द एग्स दे आर नॉट रेडली डेसिकेटेड यानी कि दे आर नॉट डिहाइड्रेटेड दियज ए सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम और उस वाटर की बेस के ऊपर यूटिलाइजिंग दैट वाटर मेटाबॉलिज्म होता है डेवलपमेंट होती है और ये उस वक्त तक डेवलपमेंट होती है जब तक उसमें काफी हद तक एम्ब्रियो बन नहीं जाता बल्कि रेप्टाइल्स के अंदर रेप्टाइल्स के अंदर तो यह है कि इतनी डेवलपमेंट हो जाती है कि शेल टूटता है तो उसमें से यंग वन इट जस्ट रन्स आउट ये नहीं है कि बर्ड की तरह या फिर एम्फीबियन की तरह कुछ बहुत ही या फिश की तरह बहुत ही स्लो मूविंग होते नहीं दर इज ए कम्प्लीट ऑलमोस्ट कम्प्लीट डेवेलपमेंट और दे स्टार्ट रनिंग एज एज डेसिकेशन रेजिस्टेंट एग्स पहली बात तो ये दूसरी बात ये है कि दे थ्री बेसिक एम्ब्रियोनिक मेम्रेन जिसके अंदर एमिनियन दैन इज ए कोरियॉन फिर एलंटॉइस होती है ये तमाम दीजा प्रोटेक्टिव मेमब्रेन जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं और uh, इसके बगैर क्योंकि एमनियन एक ऐसी ऐसा ही ऐसी, ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके अंदर वाटर है और उस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ये सारी डेवलपमेंट होती है फिर उसके बाद फिर जो एलेंटाइस है एलेंटाइस इस ऐसी मेम्ब्रेन है जिस व एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो डेस्परेटरी सरफेस बन जाती है और इसके अलावा फिर इधर सैक और योक सैक इज दैट कंटेन्स दैट कंटेन्स फूड और न्यूट्रिटिव फूड है जो कि उस ग्रोइंग एम्ब्रियो को पहुंचती है तो गेस्टुलेशन योग मैस तो योग के ऊपर ये बाकायदा एक स्पेक सा है वहां से ही दरअसल वहां से ही दरअसल ये डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और दैट इज जस्ट लाइक ए डिस्क इसलिए हम डिस्कॉर्डल कहते हैं गेस्टुला कहते Now the same process of gastrulation is seen in mammalian embryos. Uh, that is, even though the massive yolk mass has been has been lost, M mammals ki under hai, except certain uh, certain early mammals, except certain early mammals. like advanced mammals where uh, um, placenta बनना so placenta ye connection है, the fetus hai, ya young one hai, that starts getting food. From the mother now during gestation gestation means during the pregnancy period or during the period with a developmental period that may be within the egg even uh, the embryo is nourished is nourished with the nutrients and oxygen and the protective they are well protected by it any attack by the mother's immune system. अगर कोई अटैक मीन्स बैक्टीरियल अटैक ठीक है अगर इस तरह का अटैक है तो इट इज़ द मदर्स इम्यून सिस्टम वो इस ग्रोइंग यंग को प्रोटेक्ट करती है नाउ आफ्टर बर्थ द मेमेलियन द मैमल्स नर्स यंग वंस ऑब्वियसली कि आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड मैमल ही हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसको नर्स करते हैं और उसको फिर पूरी तरह नर्श करते हैं और इसमें जो मैम्स हैं वो तो देख टू दंगमेट के अंदर ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू नो करेक्टर ऑफ ऑफ द मैमल्स न फीमेल एप्स एंड मंकीज मेड ओनली वेन इन ईस्ट्रे भी डेवेलपमेंटल स्ट्रेटेजी है उनकी कि ये जो एप्स हैं और मंकीस uh, हैं गोरीलाज वगैरह हैं तो ये दे मेट ओनली वैन दे आर इन ईस्टरस पीरियड ईस्टरस पीरियड मीन्स वैन दे डिज़ायर इज़ अ डिज़ायर टू मेट विद द ऑपोजिट सेक्स तो इनक्रीजिंग दबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन इससे मतलब क्या होता है इसका मकसद क्या है ताकि फर्टिलाइजेशन की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाए क्योंकि ड्यूरिंग दिस ईस्टरस पीरियड एक होता है पीरियड और एक है साइकिल

ह्यूमन पापुलेशन वो उसमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस ऐसा स्ट्राइकिंग किस्म का जो स्ट्रेस पीरियड नहीं आता लेकिन दैट्स वाई दे कैन रिप्रोड्यूस ऑल ऑल द द अराउंड दे कैन कैन दे कैनो देखनाज इन सेक्सुअल एक्टिविटी विदाउट रिप्रोडक्टिव पर्पस और इसमें एक और भी एक ह्यूमन के अंदर एक ख़ास बात ये भी है दे कैन दे कैन इंडल्ज इन सेक्सुअल अफेयर इनका मकसद वहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं है दे रिप्रोडक्शन नहीं है बल्कि वो एक और एक एक, आपस में एक एसोसिएशन की एक एक्टिविटी है सो दिस इज दीज आर द डिफरेंट आर डिफरेंट यू कैन से समरी ऑफ बेसिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज इन वर्टिब्रेट्स जो हमने फिश के अंदर एम्फीबियंस के अंदर बर्ड्स मैमल्स के अंदर ये देखा है सो दिस इज ऑल अबाउट